तो अभी के लिए मैं चैट ऑफ करती हूँ एंड पहले आप मेरी बात सुन लें। तो जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का आज फर्स्ट क्लास है, बस दिस इज नॉट द फर्स्ट लेक्चर, दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑफ जावा लेक्चर सीरीज। इसमें हम जावा पढ़ा रहे हैं फ्रॉम द बेसिक टू द एडवांस, एवरी टॉपिक इन डिटेल्ड वे। आप लोग जिसका भी ये फर्स्ट लेक्चर है, आपका सबसे फर्स्ट टास्क ये रहेगा कि आप सभी लोगों को जो पुराने तीन लेक्चर्स हुए हैं वो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, लेकिन आपको वो तीनों लेक्चर्स देखने हैं, सबको देखने हैं, और उस लेक्चर को देखने के बाद आप नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करिएगा। तो सबको क्या करना है, फर्स्टली फर्स्ट ऑफ ऑल सबको क्या करना है कि सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को जो पुराने तीन लेक्चर्स हैं वो ज्वाइन कर वो देखना है। कैसे देखोगे आप, वो यूट्यूब पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ये आपको यूट्यूब पे डायरेक्ट क्लासेस देखने को नहीं मिलेंगी, ये क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी हमारे लर्निंग पोर्टल पे, एक पाइल के लर्निंग पे पोर्टल पे। और उसके लिए हमारा खुद का खुद की वेबसाइट है, दैट इज techpile.in/st, techpile.in/st। और ये हमारा, मैं इसको आप एक ग्रुप में भेजती हूँ, आप चाहो तो इसको कॉपी करके कहीं व्हाट्सएप पे या कहीं पे भेज लो, बाद में आप इसको यूज कर लेना। तो एक सेकेंड, तो ये मैं आप लोगों को एक लिंक भेज रही हूँ, इस लिंक को आपको कॉपी करके रखना है। दिस इज अ लिंक, इसमें आप देखोगे techpile.in/st, यहाँ पे आपको एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड यूज करना होता है। अब ये यूजर आईडी पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, यू हैव टू रजिस्टर्ड योर सेल्फ ऑन द टेकपाइल पोर्टल। सो उसके लिए भी एक लिंक है, techpile.in हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन। और इस रजिस्ट्रेशन में दो रजिस्ट्रेशन है, क्लासरूम ट्रेनिंग, एक ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो क्लासरूम ट्रेनिंग मतलब ऑफलाइन ट्रेनिंग, तो इस ये पेड ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग वाले पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और इसमें ये पूरा जब आप फॉर्म भरोगे, तो इस फॉर्म को भरने के बाद जो आप यहाँ ईमेल आईडी इनपुट करोगे, इस ईमेल आईडी पे आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड शेयर हो जाएगा। उस यूजर आईडी और पासवर्ड का यूज करके आपको इस पोर्टल पे लॉग इन करना है। सपोज आकाश, आकाश इज वन ऑफ आवर स्टूडेंट, तो इसको लॉग इन जब आप करोगे तो एक ऐसा पोर्टल देखने को मिलेगा। इसमें एक ऑप्शन होगा वीडियोज एंड कोड्स, वीडियोज एंड कोड्स। ये वीडियोज एंड कोड्स में आपको एक कैटेगरी मिलेगी जावा प्रोग्रामिंग। तो जावा प्रोग्रामिंग पे आप क्लिक करोगे, यहाँ आप देख सकते हो कि दो लेक्चर्स, अच्छा दो ही अभी अपलोड किए गए हैं, नहीं दो ही दिख रहा है इसमें, दो ही दिख रहा है। यस बट यस 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 ओके। सो ये जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है डे 3, तो ये डे 1, डे 2 और डे 3, ये तीन आपको लेक्चर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इन तीनों को आपको देखना है, इन तीनों को देखने के बाद जब आप आज का लेक्चर देखेंगे तब आपको प्रॉपर चीजें समझ में आएंगी। तो बाकी स्टूडेंट्स जो पहले से क्लासेस कर रहे हैं उनके पास नोट्स वगैरह भी होगा, और वो सारे स्टूडेंट जो हैं 3 दिन की क्लासेस सभी ने अटेंड की भी होंगी। ओके तो आप सभी लोग पढ़ते रहिए, और बाकी जैसा मैंने बताया कि आज आपका, पिछले 2 दिन की क्लासेस हमें बंद करनी पड़ी थी ड्यू टू सेमिनार, क्योंकि हम लोग बाहर थे और बाहर से क्लास ले पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आज मैं आपको फिर से एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगी इसमें। तो इससे पहले हमने कौन सा टॉपिक कवर किया था, एक बार आप मुझे बताइए, एक बार आप मुझे बताइए कि इससे पहले हमने कौन सा टॉपिक कवर किया था। अब बताइए, अब बताइए कौन सा टॉपिक हमने कवर किया था। वेरिएबल्स, हाँ यस, नितिन, श्रेया मिश्रा, वेरिएबल डेटा टाइप इंट्रो ऑफ वेरिएबल्स, यस हाँ। तो हमने वेरिएबल्स बताए थे, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 100%। तुम्हारा जितना सिलेबस है ना उतना तो हम एक हफ्ते में पढ़ा दें, लेकिन द पॉइंट इज कि हम नहीं चाहते कि वो उस तरीके से पढ़ाया जाए। हम चाहते हैं कि पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप
एक बार में आपने जितना पढ़ा, सपोज आपने ए से जेड तक नहीं पढ़ा, आपने ए से ई तक पढ़ा, तो नेक्स्ट जब आप पढ़े तो आपको ये एफ से पढ़ना हो, ए से ई तक का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम ए से जेड तक पढ़ जाए और कोई हमसे बी पूछ दे तो हमें पता नहीं है। तो हमें पढ़ना उस हिसाब से नहीं है, हमें पढ़ना है कि हम जितना पढ़ें उतना हम सही से पढ़ें, ठीक है? तो ये चीजें हैं। बाकी ये है ना कि तुम्हारा जितना टॉपिक है, तुम्हारा जितना सेलेबस है, वो मैं अगर कंप्लीट करने पे आ जाए तो वो एक एक दिन की चीजें होती हैं। एक दिन में इंट्रोडक्शन, एक दिन में इनहेरिटेंस, एक दिन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक दिन में पॉलीमॉर्फिज्म, तो ऐसे करके ये 7 दिन में खत्म हो जाएगा। बट जब तुम ए से जेड तक पढ़ने जा रहे हो तो वो क्लियर होना चाहिए। तुमसे बीच का कोई एफ पूछ दे, यू आर क्लियर टू एफ, तो तुम ऐसे पढ़ो। ओके, अभी देखो कि जैसा मैंने आपको बताया कि एक, मैं आपको थ्योरेटिकल वे में एक बार फिर से मैं बताती हूँ कि सबसे पहले तो हम लोगों ने फर्स्ट डे देखा हुआ था कि कैसे हम लोग, एक सेकेंड, तो इससे पहले फर्स्ट डे में हमने देखा हुआ था कि देखो मैं शायद इसी में कहीं हमने वो प्रोग्राम भी बनाया होगा, एग्जाम्पल करके बनाया था, लेकिन इसमें है नहीं। चलो, तो जैसा मैंने आपको फर्स्ट डे बताया, सी की क्लास कितने बजे चलती है मैं बताऊंगी, अभी चल नहीं रही है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबके लिए है, सभी को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अभी आप लोगों को भिजवा दूंगी आपके ग्रुप में। सभी को टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है। आइंदा से कोई भी लिंक और कोई ये जो क्लास ज्वाइन करने की लिंक है, डेली के लिए सेम होती है। तो आप किस चीज के लिए वेट करते हो, आप लोग ज्वाइन कर लिया करो ना। 6 PM पे क्लास भी चलती है, ये भी आपको पता है, तो 6 PM पे आप लोग रेगुलर बेसिस पे क्लास ज्वाइन कर लिया करो। ओके, बाकी मैं एक जावा का ग्रुप बनाती हूँ, ग्रुप में प्रॉब्लम ये है कि उसमें 255 से ज्यादा स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, तो वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बना दूँ एक ग्रुप। तो चलो, थर्ड लेक्चर का वीडियो पोर्टल पे ओपन नहीं हो रहा है, लेट मी चेक। वाकई ये ओपन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। मैं अभी देखती हूँ, ये इसका लिंक शायद गलत अपलोड हो गया है, तो अभी मैं सही कराती हूँ इसको, ठीक है? सही कराती हूँ मैं इसको, डोंट वरी, अभी क्लास के बाद तक सही हो जाएगा ये। देखो, तो अभी अभी आप सभी लोग क्लास देखेंगे, श्रेया, ओके, थैंक यू श्रेया। तो जैसा मैंने पहले आप लोगों को एक मैं बताती हूँ, वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, जैसे डेटा टाइप, वेरिएबल्स, आप इसमें देख सकते हो, हर टॉपिक मैं लिखती हूँ यहाँ पे। तो इसमें हमने बताया हुआ था आपको कि सबसे फर्स्ट JDK को सेटअप करना बताया था, कैसे आप JDK का यूज़ करके और कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करके आप अपने प्रोग्राम्स को यूज़ करा सकते हो। नेक्स्ट हमने, हाँ, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स बताना था। नेक्स्ट हमने बताया हुआ था आपको फंक्शंस के बारे में और कैसे एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है जावा के फर्स्ट प्रोग्राम को रन कराने का। फिर हमने आपको बताया हुआ था आइडेंटिफायर, हम आइडेंटिफायर किसको कहते हैं। एक नेमिंग कन्वेंशन भी हमने बताया था कि नाम रखने का एक स्टैंडर्ड तरीका क्या है। उसके बाद हमने बताया था कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होता है। कीवर्ड्स के बाद हमने बताया था आपको डेटा टाइप्स, की डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो अभी सबको आई थिंक कि इतना क्लियर होगा डेटा टाइप्स। मैंने कई तरीके का डेटा टाइप बताया था आप लोगों को बनाना, जिसने भी पुरानी क्लासेस देखी होंगी उसको क्लियर होगा। मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि क्या डेटा टाइप वाला जो टॉपिक था कि हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बूलियन टाइप के वेरिएबल में हम किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, पहले हमें वेरिएबल बनाना पड़ता है यूज करने से पहले, मतलब पहले हम डिक्लेरेशन करते हैं, फिर हम अगर फ्लोटिंग टाइप की वेरिएबल बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, डबल टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, डबल टाइप के वेरिएबल में हम कौन कौन सी वैल्यू स्टोर कर पाएंगे। तो ये इतना सबको क्लियर था, इतना सबको क्लियर था। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा, सपोज किसी प्रोग्राम में हम एक डबल टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं, क्या है ना थर्ड वाला जो लेक्चर अपलोड किया गया है हाँ गलत वो हो सही कर गया रहे है। हैं
ओके, तो आप मुझे रिप्लाई करिएगा। एक हमने डबल टाइप का वेरिएबल बनाया डी, और डी में हम स्टोर करें 30, ये सही है कि गलत है? डी में हम स्टोर करें 30, ये सही है कि गलत है? सही है, सबने बोला राइट है। ओके, वेरी गुड। एक हमने डबल टाइप का वेरिएबल बनाया और उसमें हमने स्टोर किया 30.5, ये सही है कि गलत है? ये सही है कि गलत है? सही है। ओके, एक हमने फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया एफ और इसमें हमने स्टोर किया 30.5, ये सही है कि गलत है? गलत है। वेरी गुड। ओम कह रहे हो सही है। अच्छा, मतलब तुमने पहली वाली क्लास नहीं किया, गलत है, सबने बताया। वेरी गुड गाइस। सो एक हमने डबल टाइप का वेरिएबल बनाया डी और उसमें हमने स्टोर कर दिया 30.5 एफ, ये बताओ सही है कि गलत है? सही है। एक हमने बूलियन टाइप का वेरिएबल बना, गलत, आदित्य बता रहे हो गलत है, सही है। अब तुम पिछला वाला वीडियो देखो पहले। एक हमने बूलियन टाइप का वेरिएबल बनाया और इसमें हमने स्टोर कर दिया फाल्स, सही है कि गलत है? सही है। कितने लोग बोल रहे हैं सही है? ये देखो, इसको देख के बताओ सही है कि गलत है? गलत है। क्या है? गलत है। ये जो है ये गलत है। हाँ, वेरी गुड। तो एक हमने बूलियन टाइप का वेरिएबल बनाया और उसमें ऐसे लिखा फॉल्स, अभी ये सही है कि गलत है? एफ कैपिटल होगा? नहीं, एफ कैपिटल नहीं होगा, इट्स नॉट पाइथन। इसमें स्मॉल ही होता है फॉल्स, और इसका इसको हम कहते हैं लिटरल्स। तो बूलियन टाइप के वेरिएबल के लिए जो पॉसिबल लिटरल्स है वो दो ही है, एक है ट्रू एक है फॉल्स। ट्रू का भी सारा लेटर कैप स्मॉल और फॉल्स का भी सारा लेटर स्मॉल ही होता है। थोड़ा कैमरा में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? हाँ वही बूलियन होता है। ओके, अच्छा, एक और मैंने वेरिएबल बनाया, वही बूलियन, वही समझ लो, यूज करेंगे तो लिख देंगे। एक हमने वेरिएबल बनाया कैर, अब देखना, ये मैंने उस दिन आपको यूज करके दिखाया था। एक हमने वेरिएबल बनाया कैर, चैट ऑफ है, चैट ऑफ है, तो तुम चैट कर कैसे पा रहे हो प्रियांशु, ऐसी बातें कर देते हो। अच्छा, एक हमने वेरिएबल बनाया कैर और इसमें हमने लिखा सी और सी में हमने ऐसे स्टोर कर दिया जी। चलो ऐसे, चलो एक बार फिर से एक प्रोग्राम बनाती हूँ। सबसे पहले जब भी हम नया प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी जावा का प्रोग्राम बनाओगे, क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जब भी आप जावा का कोई भी नया प्रोग्राम बनाओगे तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्लास। क्या बनाते हैं हम सबसे फर्स्ट? क्लास। क्लास में मान लो हमने क्लास लिख दिया और क्लास का नाम हमने लिखा एग्जाम्पल ऑफ डेटा टाइप्स, दिस इज द क्लास, ठीक है? यहाँ पे हमने बनाया अपना मेन फंक्शन। मेन फंक्शन इज द लाइक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कि हर एक जावा के प्रोग्राम में जरूर होना चाहिए। हमने लिखा पब्लिक, स्टैटिक होना चाहिए, और यहाँ पे डेटा टाइप जो हम यूज करते हैं दैट इज वाइड, और फंक्शन का नाम है मेन। इसमें हम हमेशा एक स्ट्रिंग टाइप के एरे का आर्गुमेंट पास करते हैं, पैरामीटर में पास करते हैं स्ट्रिंग टाइप का एरे। ये हो गया हमारा प्रोग्राम, इसको हम सेव करने जा रहे हैं। और अभी देखो, कुछ स्टूडेंट्स ने उस दिन भी पूछा था कि मैम हमेशा हम प्रोग्राम्स को सेव करते हैं अपने क्लास के नाम के जैसा, तो ये मेरा क्लास का नाम है और इसको हम सेव करते हैं सेम इसी नाम से। सेव किया और लगा दिया डॉट जावा, जावा के प्रोग्राम्स का एक्सटेंशन क्या होगा डॉट जावा, सेव किया। और यहाँ पे मैं क्या करने जा रही हूँ, एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हम बनाने जा रहे हैं। कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बेसिक की चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि विदाउट क्लास नाम से सेव करके बता दीजिए। ओके, बता देते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आपको जो है क्या करना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिक कि आप किस टाइप के वेरिएबल में क्या स्टोर करा सकते हो, ये आपको पता ही होना चाहिए, तब जाके आप और बाकी की चीजें अच्छे तरीके से समझ पाओगे, एरर्स को प्रॉपर डिटेक्ट कर पाओगे। तो एक हमने कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाया, देखो सी, जब हम वेरिएबल का नाम रख रहे हो ये जैसे कि, तो आप नाम कुछ भी रख सकते हो, वो कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, आप उसका नाम लिख सकते हो कैर वैल लिख सकते हैं, ये वेरिएबल का नाम है।
हम नाम चाहे तो, और नेमिंग कन्वेंशन मैंने आपको आइडेंटिफायर्स का बताया था, जो रूल्स है बस उसको फॉलो करना पड़ेगा, बाकी नाम दो दो वर्ड्स का, चार वर्ड्स का जो मिला के उसमें अंडरस्कोर लगा के व्हाटएवर यू वांट टू यूज यू कैन। सो यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल का नाम जब हम रखने जा रहे हो, डबल और फ्लोट में क्या डिफरेंस है, अब प्रीवियस वीडियो देखो, अगर इस तरीके से हम पढ़ाने लगे ना तो फिर हम जो है बहुत पीछे हो जाएंगे, तो इसलिए तुम प्रीवियस वीडियो देखो, सब बताया है कि फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस है, वहां से देखने को मिल जाएगा। तो जैसा मैंने बताया कि वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है तो एक ही उसमें हम एक वर्ड का ही हम उसका नाम रखेंगे या एक कैरेक्टर का ही हम उसका नाम रखेंगे, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है तो हम ऐसा नाम रखेंगे, नहीं, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, चाहे वो किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर करने जा रहा हो। हमने लिख दिया कैर वैल इक्वल्स टू, जब इक्वल लगा के आप उसमें वैल्यू स्टोर करते हो तब हमें ध्यान देना पड़ता है कि किस टाइप का वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर पाएगा और किस टाइप की वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाएगा। अब हमने लिखा कैर वैल और हमने डबल इन्वर्टेड के अंदर एक वैल्यू स्टोर कर दिया, हमने लिख दिया डी, मुझे कौन कौन बताएगा कि ये मेरा इस कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर करना सही है कि गलत है। रिप्लाई, कौन कौन बताएगा कि ये सही है कि गलत है? सबने बोला, कुछ लोगों ने बोला सही है, कुछ लोगों ने बोला कि गलत है। अच्छा ठीक है, हमने क्या किया कि इसको, इस प्रोग्राम को हम रन कराने जा रहे हैं। ओके एवरीवन, सबने सही बताया। अब हम इस प्रोग्राम को जब रन करने जा रहे हो तो ओके भैया, तो जब हम, अच्छा मनीष प्रजापति और सबने बताया कि कुछ लोगों ने बताया सही है, कुछ ने बताया गलत है, एक मिनट। कैमरा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। ओके तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि जब हमें इस प्रोग्राम को रन कराना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक तो तरीका हमने आपको बताया हुआ है कि आप फाइल के लोकेशन पे जाइए, लोकेशन को हटा के आप सीएमडी टाइप करिए, इंटर की प्रेस करिए, वो पाथ आपका सीएमडी प्रॉम्प्ट पे ओपन हो जाएगा। एक तरीका है कि ये जो यहाँ पे नाम दिख रहा है, ये एग्जाम्पल डेटा टाइप्स, आप इसी पर ऐसे राइट क्लिक करोगे तब भी लिख के आएगा कि ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन सीएमडी। क्लियर है सबको कि जब ये जो नाम दिख रहा है ना जहां पे सेव किया है, ये नोटपैड प्लस प्लस में आएगा, नोटपैड में नहीं आएगा, तो यहाँ पे जब ऐसे क्लिक करोगे तो आएगा ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन सीएमडी, तो इस पे भी क्लिक कर दोगे तो ये पाथ जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन हो जाएगा जहां से हमें प्रोग्राम्स को रन कराना है। एवरीवन आई थिंक सबको समझ आया, अब इस प्रोग्राम को रन कराना है तो नाम हमने इसका रखा था एग्जाम्पल डेटा टाइप डॉट जावा, तो हमने इस नाम को ऐसे कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद हमें इसको रन कराना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले जावा का कंपाइलर टूल, तो हमने लिख दिया जावा सी। हेलो हेलो ओके तो जावा का कंपाइलर टूल हमने यूज किया जावा सी, प्रोग्राम का नाम ये था और यहाँ पे एक्सटेंशन के साथ इसको कंपाइल कराया जाता है, ये हमने कंपाइल कराया। अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक एरर आ रही है, एरर कह रहा है कि स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू कैर, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू कैर, दैट मीन्स दिस प्रोग्राम इज रॉन्ग। आप कैर टाइप के वेरिएबल, कैर टाइप का जब आप कोई वेरिएबल बना रहे हो उसमें आप इस वैल्यू को स्टोर नहीं करा सकते, क्योंकि जो भी वैल्यू हम डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखते हैं वो सिर्फ एक ही टाइप के वेरिएबल में स्टोर कराई जा सकती है, दैट इज स्ट्रिंग। तो हमें कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में जब भी हम वैल्यू को स्टोर करा रहे हो ना, हमेशा हम स्टोर कराते हैं कैसे, विद इन सिंगल कोट्स। कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल को हमेशा हम, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को हमेशा हम किस में लिखते हैं, विद इन सिंगल कोट्स, ठीक है। अब देखो तो हम इसमें विद इन सिंगल कोट्स के अंदर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। अब सिंगल कोट्स के अंदर अगर मैं लिख दूं डी, अब ये प्रोग्राम सही है कि गलत है? तो हमने इस पे राइट क्लिक किया, फिर से इसको सीएमडी में ओपन किया और यहाँ लिखा जावा सी द फाइल नेम विथ एक्सटेंशन और रन कराया।
अगेन अगर प्रॉपर जो है फिर से उसी पाथ को रिटर्न कर रहा है विदाउट एनी एरर, देन आप समझ जाओ कि हमारा जो फाइल है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका, क्लास फाइल सक्सेसफुली जनरेट हो चुका. नाउ द टाइम टू रन द प्रोग्राम. और रन करने के लिए लिखते हैं जावा और फाइल का नाम. अब हम इसको रन कराते हैं और यहाँ पे जो भी वैल्यू आपने उस वेरिएबल में स्टोर की होगी उसका नाम उसकी वैल्यू यहाँ प्रिंट होके आ रही है. ठीक है, अगर मैं इसी में डी के बजाय में स्टोर करा दूं दिव्या, नाउ अभी क्या प्रिंट होके आएगा? दिव्या की डी अभी क्या प्रिंट होके आएगा? दिव्या प्रिंट होके आएगा कि डी प्रिंट होके आएगा कि गलत आएगा कि क्या आएगा कि एरर आएगा? अब मैंने राइट क्लिक किया और फिर से मैंने इसको रन कराया और रन कराने के लिए फिर से हमने उसी जावा कंपाइलर टूल का यूज किया. हमने लिखा जावा सी एंड फाइल का नाम विथ एक्सटेंशन, हमने एक्सटेंशन लिख दिया एग्जाम्पल डेटा टाइप इज द नेम और हमने फाइल का नाम विथ एक्सटेंशन रन कराया. अब देखो लिख रहा है कई चीजें यहाँ पे लिख के आ रही हैं. सबसे पहले कह रहा है अनक्लोज्ड कैरेक्टर लिटरल्स, मतलब कि आप दिव्या ये जो पूरा नाम लिख रहे हो, ये जो पूरा आप लिख रहे हो, ये आप कई वर्ड्स जब लिख रहे हो ना तो वो वर्ड्स का कलेक्शन स्ट्रिंग हो जाता है. तो इसका मतलब कि कई वर्ड्स जब आप लिख रहे हैं तो उसे आप सिंगल कोट्स के अंदर इंक्लोज करके नहीं रख सकते. उसको इंक्लोज करने के लिए यू नीड डबल इन्वर्टेड कोट्स. ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमने क्या देखी कि हमने दो चीजें देखी यहाँ पे, दो पॉइंट हमने समझा. सबसे फर्स्ट कि कैरेक्टर में अगर हम सोचें कि ऐसे डबल इन्वर्टेड के अंदर इंक्लोज करके रख दें तो नो, ये गलत है क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है और इसे कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में हम स्टोर नहीं कर सकते. अगर हम इसको ऐसे कर दें तब भी ये गलत हो जाता है. क्यों? क्योंकि ये कई वर्ड्स हैं और इन्हें आप सिंगल कोट्स के अंदर इंक्लोज करके रख नहीं सकते. इस तरीके से आप कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और वो वैल्यू सिंगल कोट्स के अंदर ही रहेगी. सिंगल कोट्स के अंदर हम ये भी स्टोर कर सकते हैं 6, क्योंकि ये डिजिट है, क्योंकि एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है. लेकिन जैसे ही आपने इसे सिंगल कोट्स के अंदर रख दिया अब ये कैरेक्टर बन गया, डिजिट नहीं रह गया. अब ये क्या बन गया? एक कैरेक्टर बन गया. और इस कैरेक्टर को आप आसानी से किसी कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं. बात समझ आई? तो आपने सिंगल कोट्स के अंदर लिखा 6, ये 6 जो है अब क्या बन गया? एक कैरेक्टर बन गया. हमने सिंगल कोट्स के अंदर लिखा डॉलर, टोटली ओके. सिंगल कोट्स के अंदर कोई भी एक सिंबल, कोई भी एक डिजिट, कोई भी एक अल्फाबेट आप लिख सकते हैं आसानी से और उसे एक कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में आप स्टोर भी करा सकते हैं. तो अगर मैं सिंगल कोट्स के अंदर लिख दू 6 और मैं यहाँ प्रिंट कराऊं कैरवेल, तो क्या प्रिंट होके आएगा? क्या प्रिंट होके आएगा? यस, तो सबने बताया 6. इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है कि यहाँ पे आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू है, इसे कैरेक्टर में स्टोर करा रहे हो. नो, इट्स टोटली ओके. जैसे ही हम, भले ही वो एक डिजिट है, लेकिन जैसे ही हमने उसे सिंगल कोट्स में डाला वो क्या बन गई? वो बन गई अपने आप कैरेक्टर. और हमने रन कराया, इट टोटली ओके. हमने लिखा जावा और इसे इंटरप्रेट कराया एंड द वैल्यू इज हियर 6. ठीक है, कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में हम एक और वैल्यू स्टोर करा सकते हैं. क्या स्टोर करा सकते हैं? कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में हम एक और वैल्यू स्टोर करा सकते हैं. कौन सी वैल्यू? हमने लिखा कैर और वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू, हमने लिख दिया सपोज 10. ठीक है, और हमने इसको रन कराया. फिर से एक बार कंपाइल कराते हैं. कैमरे में प्रॉब्लम है थोड़ा सा. कैमरा आई थिंक वायर सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसकी वजह से बार बार एरर आ रही है. क्लिक करके आप एक बार छोड़ दो बस. ओके, ऐसे मेरी तरफ नहीं आ रहा है उसमें. ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा, फिर से हम इसको कंपाइल कराने जा रहे थे. क्या कराने जा रहे थे? ओके, लेट मी चेक. ओके, कंपाइल कराने जा रहे. जब जब आप फाइल में कोई भी चेंज करते हो
फाइल में आपने चेंज किया 10 लिखा, तो आपको हमेशा कंपाइल कराना पड़ेगा, तब आप जाके चेंज हुआ कोड आपका रन होता हुआ दिखेगा। हमने रन कराया एंड इट इज टोटली ओके, आपने 10 लिखा और हमने रन कराया, हमने लिखा जावा और जावा के बाद हमने फाइल का नाम यहाँ पे पेस्ट कर दिया और रन कराया। अभी आप देख सकते हो कि दो ब्लैंक आए हुए हैं, एक ये ब्लैंक है एक ये ब्लैंक है। तो एक मैं इसकी वैल्यू चेंज करके दिखाती हूँ, कुछ और ऊपर करके दिखाते हैं, क्योंकि 10 की वजह से ब्लैंक प्रिंट हो रहा है। हमने इसको हटा के लिख दिया 50, या हटा के हमने लिख दिया सपोज 60। चलो अब हम बात करते हैं कि क्या आएगा, तो हम कहेंगे कि इरर आएगा, तो नहीं, बिल्कुल इरर नहीं आएगा, बिल्कुल इरर नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं, फिर से एक बार कंपाइल कराते हैं, रन हो गया, और हम एक बार फिर से इसको रन कराते हैं। रन कराया हमने और सिंबल आ रहा है, ये वाला सिंबल, कौन सा सिंबल, लेस देन वाला सिंबल, है ना, कौन सा सिंबल आ रहा है, लेस देन वाला सिंबल आ रहा है। तो अब ये सिंबल क्यों आ रहा है, क्योंकि कैरेक्टर जो होगा वो हमेशा एक कैरेक्टर ही स्टोर करेगा। मैं बोल रही हूँ ये 60, क्या ये कैरेक्टर है 60? अगर आपने लिख दिया 60 तो क्या ये कैरेक्टर है, तो हम कहेंगे नहीं ये कैरेक्टर नहीं है। हम, आप मेरी बात समझिएगा, हमने सिंगल कोट्स के अंदर लिख दिया 60, क्या ये कैरेक्टर है, हम इसको रन करा के दिखाते हैं। सिंगल कोट्स के अंदर हमने लिख दिया 60, क्या ये कैरेक्टर है, नहीं, क्योंकि इसमें दो वर्ड्स आ गए तो ये कैरेक्टर नहीं है, दो इसमें डिजिट्स आ गए, कैरेक्टर नहीं है। इसे आप सिंगल कोट्स के अंदर रख ही नहीं सकते, इसके लिए आपको डबल कोट्स की जरूरत पड़ेगी, और डबल कोट्स को कैरेक्टर में नहीं रख सकते। तो इस तरीके से ये 60 जो है वो कैरेक्टर नहीं है, 60 जो है वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो क्या होता है जब हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को किसी कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, जब हम किसी इंटीजर टाइप की वैल्यू को, इंटीजर टाइप की वैल्यू को हम स्टोर कराते हैं किसमें, कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में, तो क्या होता है, तो क्या होता है कि हर एक वेरिएबल, जितने भी वैल्यूज हैं इंटीजर में, इंटीजर में अगर आप बात करो 0 से लेके 128 तक जितने भी आपके डिजिट्स बीच में मिलेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो भी 1900, 120, इन सारे डिजिट्स का एक कैरेक्टर भी है, इन सारी डिजिट पे एक कैरेक्टर भी रखा गया है। तो आपको वो कैसे पता चलेगा, मतलब किसी ना किसी कैरेक्टर का ये सारे डिजिट्स, इसे हम ASCII वैल्यूज कहते हैं। तो अगर आप बात करोगे 0 तो इसके पे भी एक कैरेक्टर होगा, अगर आप बात करोगे 50 इस पे भी एक कैरेक्टर होगा, अगर आप बात करोगे 60 इस पे भी एक कैरेक्टर होगा, अगर आप बात करोगे 70 इसका मतलब भी किसी ना किसी एक कैरेक्टर से होगा, अगर आप बात करोगे 80 इस पे भी कोई ना कोई एक कैरेक्टर होगा। जो ज़्यादातर यूज होने वाला है उसको हम कहते हैं, जैसे आप 65 से लेके अगर 90 तक देखोगे तो वो होता है आई थिंक कैपिटल A से लेके कैपिटल Z तक का। मतलब कि मैं अगर बताऊं, अगर मैं यहाँ पे लिख दू 65 तो क्या आएगा, तो उस टाइम पे आएगा, ठीक है, तो अगर मैं लिख दू 65 यहाँ पे 65 लिख दूंगी तो क्या 65 प्रिंट होके आएगा, नहीं, क्योंकि 65 तो इंटीजर वैल्यू है ना, क्योंकि 65 तो इंटीजर वैल्यू है ना। ओके गिव मी अ मिनट यार, हेलो, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दू 65 कैरेक्टर में 65, तो आप कहोगे कि भाई 65 तो एक इंटीजर वैल्यू है, आप इसे कैरेक्टर में स्टोर कर रहे हैं तो क्या आएगा, तो मैं कहूंगी ये 65 जिस कैरेक्टर की ASCII वैल्यू होगी वो कैरेक्टर आएगा, ये 65 जिस कैरेक्टर की ASCII वैल्यू होगी वो कैरेक्टर आएगा। तो 65 किस कैरेक्टर की ASCII वैल्यू है, मैं कह रही हूँ कैपिटल A की। आप चाहो तो इसे रन करा के देख लो, हमने दोबारा इसको रन कराया, हमने लिखा जावा सी एंड द फाइल नेम डॉट जावा, सक्सेसफुली कंपाइल्ड, फिर हमने लिखा जावा और फाइल नेम और प्रिंट होके आ रहा है कैपिटल A। तो इस तरीके से हम कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में दो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, पहली वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं
पहली वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं सिंगल कोट्स के अंदर कोई भी सिंबल, सिंगल कोट्स के अंदर कोई भी डिजिट, सिंगल कोट्स के अंदर कोई भी अल्फाबेट, वो डायरेक्टली वो कैरेक्टर में स्टोर हो जाएगा। एक हम स्टोर कर सकते हैं इंटीजर वैल्यू फ्रॉम 0 to 128। इससे उस वो इंटीजर वैल्यू जिस कैरेक्टर की ASCII वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से हम दो वैल्यूज यहाँ स्टोर कर सकते हैं। मुझे बताना अगर हमने स्टोर किया 6 तो इस कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में 6 स्टोर होगा कि ये 6 जिसका जिस कैरेक्टर का ASCII वैल्यू होगा वो कैरेक्टर स्टोर होगा। रिप्लाई 6 स्टोर होगा कि ये 6 जिस कैरेक्टर का ASCII वैल्यू होगा वो स्टोर होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया 6 स्टोर होगा क्योंकि ये 6 डायरेक्ट डबल सिंगल कोट्स के अंदर आने की वजह से कैरेक्टर बन चुका है। और अगर मैं ऐसे लिख दूं 6 तो ये 6 जिस कैरेक्टर का ASCII वैल्यू होगा वो कैरेक्टर स्टोर होगा कि डायरेक्ट 6 स्टोर होगा। तो आप कहोगे ये 6 जिस कैरेक्टर का ASCII वैल्यू होगा वो कैरेक्टर स्टोर होगा। एवरीवन गॉट इट? सबको समझ आ गया? तो इस तरीके से हमने आपको सारे ही वेरिएबल्स बताए, इंटीजर, फ्लोट, डबल, बूलियन, कैर, स्ट्रिंग, कि आप किस टाइप के वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ओके, विशाखा CMS। ओके, अगर हम 50 कर दें तो बताया तो था कि अगर 50 कर दोगे तो क्या होगा। अब गूगल पे जाके ना ऐसे सर्च कर लो, देखो आप ऐसे सर्च कर लो कि ASCII टेबल, अगर 60 स्टोर कर दोगे तो क्या आएगा। अब 50 तुमने पूछा, 50 स्टोर कर देंगे तो क्या आएगा, तो ये 50, ये 50 को देखना, अगर बिना सिंगल कोट्स 50 स्टोर कर दोगी तो 2 प्रिंट होके आएगा। अगर बिना सिंगल कोट्स तुम जो है प्रिंट कर दोगे, अब ये सारे तो आपके कैरेक्टर्स हैं नाल और ये वो, ये अलग कैरेक्टर्स हैं, अगर बिना सिंगल कोट्स 33 स्टोर कर दोगी तो क्या प्रिंट होके आएगा, ये एक्सक्लेमेशन जिसको हम कहते हैं ना वो प्रिंट होके आएगा। देखो ये 33 स्टोर कर दोगी तो, बिना सिंगल कोट्स 38 स्टोर कर दोगे तो क्या प्रिंट होके आएगा, एम्पर्संड प्रिंट होके आएगा। बिना सिंगल कोट्स 38 स्टोर कर दोगे तो क्या प्रिंट होके आएगा, एम्पर्संड। बिना सिंगल कोट्स 43 अगर स्टोर कर दोगे तो क्या प्रिंट होके आएगा, प्लस प्रिंट होके आएगा। तो इस तरीके से हर एक जो है डिजिट पर कोई ना कोई कैरेक्टर है वो प्रिंट होके आएगा। क्लियर? ओके, अब मैं बात करती हूँ आपसे कि ये सारी चीज़ें आपने वेरिएबल समझ लिया और सबको वेरिएबल्स का मतलब समझ आया कि कौन से वेरिएबल में हम किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इतना सबको क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी। ठीक है, ओके, अब अगर हम आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली मूव करते हैं प्रोग्राम्स पे। ASCII वैल्यू याद करनी होगी, हाँ ASCII वैल्यू तो याद करनी होगी। देखो अब हम स्क्रीनशॉट में क्लास के लास्ट में सबको दे दूंगी। अब देखो बात करती हूं मैं कि क्या बोल रहे हो, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ओके, अभी दिखा दूंगी मैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स का स्क्रीनशॉट लेना है, ये ले लो। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स तो अभी बताया ही नहीं है, डेटा टाइप्स ये बताए हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ये ले लो। प्रिमिटिव डेटा टाइप जिसमें आता है एक न्यूमेरिक, न्यूमेरिक में आते हैं दो, एक है इंटीजर एक है फ्लोट, सॉरी एक इंटीजर एक है फ्लोट, फिर दूसरा आता है बुलियन, तीसरा आता है कैरेक्टर, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। बाकी मैं अभी ये पूरा मैं भेज दूंगी, वो देख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, कितने टाइप के वेरिएबल आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बना सकते हैं। ये सारे टाइप के वेरिएबल आप सी प्रोग्रामिंग में नहीं बना सकते। सी प्रोग्रामिंग में तो बस आप एक ही टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं जो अभी अभी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ।
जब हम ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हम कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, कौन कौन बताएगा कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं, पढ़ा है आप लोगों ने, है आपके कोर्स में? सकलेन, ए ए, प्रियांशु, मीनू, हाँ वेरी गुड गाइस, थ्री टाइप्स। कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स दैट यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू नीड। अब तीन टाइप के वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं? पहला जो वेरिएबल है उसको हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, पहला जो वेरिएबल है उसे हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, दूसरा जो वेरिएबल है उसे हम कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल, और तीसरा जो वेरिएबल है उसे हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है, तीन टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है इंस्टेंस वेरिएबल, एक होता है लोकल वेरिएबल, और एक होता है स्टैटिक वेरिएबल। ये तीन टाइप के वेरिएबल सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ये होते क्या हैं और कहाँ इनको डिक्लेयर किया जाता है। अगर मैं बात करूँ, जैसा मैं पिछले कई क्लासेस में मैंने रिपीट किया हुआ है, मैं आप पहले आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ, फिर ये थ्योरेटिकल एक साथ लिखवा दूंगी और आप लोग भी लिखिएगा। अब मैं आ जाती हूँ यहाँ, हमने एक क्लास बनाई और हमने लिखा टाइप ऑफ वेरिएबल, सेव किया, और इसको सेव करने के लिए भी हम लिखने जा रहे हैं टाइप अच्छा दूसरे नाम से इसको सेव करते हैं, चलो इसको हमने सेव कर दिया डेमो 5.java। ठीक है, क्लास के नाम से सेव नहीं किया, किसी भी नाम से सेव कर दिया डेमो 5.java। अब देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं हम इंस्टेंस वेरिएबल की। इंस्टेंस वेरिएबल हम किसे कहते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल हम कहते हैं रिया, क्लास ले रही हूँ, गुड इवनिंग प्रिया, ओके। तो हम इंस्टेंस वेरिएबल किसे कहते हैं? अब मैं बात करूं, मैंने एक बात आपको बताई हुई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि आप क्लास के अंदर डायरेक्ट कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं लिख सकते, कोई भी इंस्ट्रक्शन आप क्लास के अंदर डायरेक्टली नहीं लिख सकते। अगर कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो, कोई भी ऑपरेटर लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो आप डायरेक्ट क्लास के अंदर नहीं कर सकते, हमेशा आप उसे कहाँ लिखेंगे? किसी ना किसी मेथड के अंदर, चाहे मेन मेथड हो चाहे कोई दूसरा मेथड हो, आप उसके अंदर लिखेंगे। और एक क्लास के अंदर आप मुझे बताइएगा, क्या एक क्लास के अंदर सिर्फ एक ही फंक्शन हो सकता है मेन फंक्शन? क्या एक क्लास के अंदर एक ही फंक्शन हो सकता है मेन फंक्शन, कि कई फंक्शन हो सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं? रिप्लाई, तो बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी अभी मुझे बताया कि एक ही फंक्शन नहीं हो सकता। यस, स्क्रीन शेयर है ना? ना शेयर है, स्क्रीन तो सबको दिख रही है ना? दिख रही है। ओके, तो हम अगर बात करें कि क्या एक क्लास के अंदर कई फंक्शंस हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। ये एक फंक्शन का ब्लॉक हो गया, यहाँ दूसरा फंक्शन बना लो, या यहाँ पे भी दूसरा फंक्शन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें एक लाइन लिखना है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मुझे प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड, हमें प्रिंट कराना है एक स्ट्रिंग मैसेज दैट इज हेलो वर्ल्ड। तो क्या हम ये मैसेज यहाँ लिख सकते हैं? तो आप कहोगे कि नहीं, ये गलत है, ये आप डायरेक्टली क्लास के अंदर नहीं लिख सकते। क्या हम डायरेक्टली इसको यहाँ लिख सकते हैं? तो आप कहोगे कि नहीं, ये गलत है। मैं अगर इसको रन करा के आपको दिखाऊँ डेमो 5.java, और मैंने इसको कंपाइल किया, लिखा डेमो 5.java, मैंने रन कराया, और ये कह रहा है कि समथिंग, ये समझ नहीं पा रहा है कि लीगल स्टार्टअप टाइप, ये क्या किया हुआ है आपने, ये क्या किया हुआ है आपने। मतलब आप इसको, सिंपल सी बात ये है कि आप कोई भी इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट क्लास के अंदर नहीं लिख सकते, ये गलत है। ये इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ से कट किया और हम इसको यहाँ पे रख सकते फंक्शन के अंदर, अभी ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि
हम एक दूसरा फंक्शन बनाना जो है बनाना चाहते हैं, हम एक दूसरा फंक्शन बनाना चाहते हैं। हमने लिख दिया, जैसे ये हमारा, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि वेरिएबल चाहे डिक्लेयर करने जा रहे हो, चाहे आप फंक्शन, कोई नया फंक्शन बनाने जा रहे हो, हमेशा उससे पहले एक रिटर्न टाइप लिखा जाता है, जिसे हम डेटा टाइप कहते हैं। रिटर्न टाइप या डेटा टाइप, बात सेम है। तो चाहे वेरिएबल नया बनाओगे, चाहे फंक्शन नया बनाओगे, उसके पहले आप एक डेटा टाइप लगाओगे। अब वो डेटा टाइप वाइड भी एक डेटा टाइप है, और बाकी आपको कई डेटा टाइप मैंने पढ़ाया है, इंटीजर, फ्लोट, कैर, बूलियन और स्ट्रिंग और मेनी डेटा टाइप्स। ओके, अब हम एक बात करते हैं कि अगर हम एक फंक्शन बनाने जाएं तो हम फंक्शन कहाँ बनाएंगे? क्लास के अंदर, मतलब क्लास का एक कर्ली ब्रेसेस है और इसके अंदर हम बना सकते हैं एक फंक्शन। मैं अपना एक फंक्शन बना रही हूँ, मैंने लिखा, अच्छा छोड़ो छोड़ो, अभी पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड सब छोड़ते हैं। हमने एक फंक्शन लिखा void, void, और फंक्शन का हमने नाम दिया माई फंक्शन। जब भी आप फंक्शन बना रहे, नेमिंग कन्वेंशन यही होगा। हमने लिखा माई फंक्शन, ये बना दिया, पैरेंथेसिस लगाओगे तभी आप उसको फंक्शन कहोगे, ऐसे छोड़ दोगे फंक्शन नहीं हुआ, ऐसे तब ये फंक्शन हुआ। अब हमने इसका ब्लॉक बनाया, नाउ यू कैन राइट एनी स्टेटमेंट विद इन दैट। हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं। जैसे मेन एक फंक्शन है, वैसे माई फंक्शन भी एक फंक्शन है। जैसे मेन नाम का एक फंक्शन है, वैसे इस नाम का भी एक फंक्शन है। लेकिन क्या इस प्रोग्राम में दो बार हेलो वर्ड प्रिंट होगा, एक बार हेलो वर्ड प्रिंट होगा कि एक भी बार नहीं होगा? आंसर, इस प्रोग्राम में कितनी बार हेलो वर्ड प्रिंट होगा? एक बार, दो बार, कितनी बार? वेरी गुड गाइस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, कुछ लोगों ने, किशन लाल ने जैसे गलत बताया, एक ने जैसे क्षमा ने गलत बताया, रंजन ने गलत बताया। ओके, तो मैं आपको एक एक पॉइंट बता देती हूँ, बड़ी आसान सी पॉइंट, कि सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर लिखा हुआ कोड रन होता है, सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर लिखा हुआ कोड रन होता है, ठीक है। तो कहोगे कि फिर ये दूसरे फंक्शन हम बना क्यों रहे हैं, फिर हम दूसरे फंक्शंस बना क्यों रहे हैं? क्योंकि इन फंक्शंस को आप हेलो सत्यम, क्लास ले रहे हैं? ओके, 7 बजे खत्म होगा। तो जैसा मैंने बताया कि इन फंक्शंस को आप, ये जो दूसरे फंक्शन बना रहे हो, फंक्शन बनाने का फायदा ये है कि आप एक बार फंक्शन बनाइए, उसका कोड लिखिए और बार बार उसको यूज करिए। तो ये तो आपको फायदा आ गया, आपको खुद समझ आ जाएगा। और मेन फंक्शन जो है वो फंक्शंस की टेस्टिंग के लिए बनाया गया है। मेन फंक्शन जो है वो किस लिए बनाया गया है? वो फंक्शंस को टेस्ट करने के लिए बनाया गया है कि भाई फंक्शन बनाए हो तो कॉल करके रन करा के चेक भी कर लो कि सही काम कर रहा है फंक्शन, उसका कोड सही रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब आप सॉफ्टवेयर बनाने जाओगे तो वहाँ कोई मेन फंक्शन नहीं मिलता, फंक्शंस को अलग तरीके से कॉल किया जाता है। तो अभी के लिए ये जो मेन फंक्शन है ना, सिर्फ उसके अंदर लिखा हुआ कोड रन होगा। तो आप बोलोगे कि ओके, तब तो मेन फंक्शन के अंदर हमने एक ही बार हेलो वर्ड प्रिंट कराया तो मतलब एक बार प्रिंट होगा। यस, एक ही बार प्रिंट होगा। तो इसका कोड अगर रन कराना होगा तो आप हर फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल कर करके और टेस्ट कर सकते हो कि अच्छा वो फंक्शन आपका सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी मैंने बताया कि अगर हमने ये फंक्शन बनाया हुआ है, तो बनाया तो है आपने, बना के रखा है आपने, बना के हमने रख दिया। और रखने का फायदा ये हुआ कि हमें जब भी हेलो वर्ड प्रिंट करना है ना, हमें बार बार ये सिस्टम डॉट आउट लिखने की जरूरत नहीं है। हम माई फंक्शन को कॉल करेंगे और ये काम हमारा हो जाएगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। तो अभी आप बताओगे कि इस प्रोग्राम में कितनी लाइंस प्रिंट होंगी, एक बार हेलो वर्ड प्रिंट होगा कि दो बार प्रिंट होगा? तो ऑफ कोर्स एक बार प्रिंट होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही बार होगा, क्योंकि इस फंक्शन को बनाया गया है, कॉल नहीं किया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर लिखा हुआ कोड रन होता है, या फिर उस फंक्शन का कोड रन होता है जिसको मेन फंक्शन से कॉल किया गया हो कि, तो मेन फंक्शन के अंदर जो डायरेक्टली कोड लिखा गया है वो रन होगा, या फिर जिस फंक्शन को आपने मेन में डायरेक्टली कॉल किया है वो रन होगा। दो ही रन होंगे। तो आपने इसको ना तो कॉल किया है और ना ही आपने
हाँ, इसको जो है यहाँ पे डायरेक्ट कोड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने एक लाइन का कोड लिखा है, सिर्फ वही रन होगा। अच्छा ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ वेरिएबल। मैं आपको बता रही थी कि हम वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अगर ये फंक्शन हमने बना दिया, अब ये फंक्शन हमने बना दिया कहाँ पे, इस मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो क्या हम ऐसे ही दूसरा फंक्शन भी बना सकते हैं? हमने लिख दिया void my function, और एक बात आप ध्यान रखें, जैसे आप एक ब्लॉक के अंदर दो वेरिएबल सेम नाम का नहीं बना सकते, वैसे ही आप एक ही क्लास के अंदर सेम नाम का दो फंक्शन नहीं बना सकते। बना सकते हैं, वो आगे की बात है, वो देखेंगे हम लोग। सेम नाम का दो फंक्शन नहीं बना सकते, नाम बदल दिया हमने, हमने लिख दिया माई फंक्शन टू, और यहाँ पे हमने लिख दिया कि, या चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि void add add number, ऐसे फंक्शन फंक्शन बन गया, दो फंक्शन बन गया। और इसके अंदर हमने लिख दिया इंटीजर a इक्वल्स टू 20, इंटीजर b इक्वल्स टू 30, और लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया। ऐसे बताओ, ऐसे लिख दूंगी a प्लस बी, क्या आएगा? a प्लस बी आएगा कि 50 आएगा? ए प्लस बी आएगा कि 50 आएगा? तो सब लोग कहेंगे कि ए प्लस बी आएगा, 50 नहीं आएगा। बता चुकी हूँ पहले, स्ट्रिंग में डबल इन्वर्टेड में जो लिख दोगे एज इट इज उठेगा और स्क्रीन पे दिखने लगेगा, वो कैलकुलेट नहीं होगा, वो बैकग्राउंड में कैलकुलेशन उसका नहीं होगा, उसकी वैल्यूज नहीं आएंगे, 50 नहीं आएगा प्रतिमा, ए प्लस बी आएगा। तो अगर मैं ऐसे लिख दूंगी तो क्योंकि ए और बी को ये वेरिएबल नहीं समझेगा, ए और बी को ये एक नॉर्मल मैसेज समझेगा, ऐसे लिख देंगे तब 50 आएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन क्या अभी अभी अगर मैं ये प्रोग्राम रन कराऊं तो दो बार हेलो वर्ल्ड और एक बार 50 ऐसा आएगा कि सिर्फ एक बार हेलो वर्ल्ड आएगा? इस अगर एक प्रोग्राम को मैं रन कराऊं तो दो बार हेलो वर्ल्ड और एक बार 50 ये आएगा, मतलब तीनों प्रोग्राम तीनों फंक्शन से एक साथ रन होंगे कि बस एक बार हेलो वर्ल्ड आएगा? तो सबने बताया एक बार हेलो वर्ल्ड आएगा। आप एक नहीं, आप 50 फंक्शन बना के रखिए, लेकिन जब तक आप उसे मेन फंक्शन में कॉल नहीं करेंगे तब तक उसका कोड रन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर लिखा हुआ कोड रन होगा। मेन फंक्शन बनाया ही इसीलिए गया है ताकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो दूसरे फंक्शंस और क्लासेस बनाए गए हैं उनको कॉल करके टेस्ट किया जा सके कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। ओके, वेरी गुड। अब मैं बात करती हूँ कि अगर हमें इस फंक्शन को रन कराना है, एड नंबर को अगर हमें चाहते हैं हम कि भाई मेन फंक्शन के अंदर लिखा हुआ कोड तो रन हो ही हो, साथ ही साथ एड नंबर भी रन हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक बात बताती हूँ कि कॉलिंग कैसे की जाती है। तो कॉलिंग देखो, बनाने का तरीका ये है कि जब भी आप कोई नया फंक्शन बनाने जा रहे हो, अभी मैं आगे आपको फंक्शन पढ़ाऊंगी और तब मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट, चार तरीके से फंक्शन बनाए जाते हैं, सारे तरीके पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी बस एक बात बता देती हूँ कि जब फंक्शन बनाने जा रहे हो ना, तो लिखते हैं डेटा टाइप, जब बनाने जा रहे हो नया नया फंक्शन बना रहे हो, और फिर लिखते हैं फंक्शन का नाम, और फिर पैरेंथेसिस लगाते हैं, और फिर कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं, और इसके अंदर लिखते हैं स्टेटमेंट्स या कोडिंग या जो इंस्ट्रक्शंस, कुछ भी नाम दे सकते हो, स्टेटमेंट कह सकते हो, या फिर इसे इंस्ट्रक्शंस कह सकते हो, या फिर इसे कोडिंग कह सकते हो, जो भी कहना चाहो कह सकते हो। तो इस तरीके से फंक्शंस बनते हैं, जैसे डेटा टाइप के नाम पे हमने लगाया void, और फंक्शन का नाम, फंक्शन के नाम पे हमने लिखा एड नंबर, फिर पैरेंथेसिस लगाया, फिर कर्ली ब्रेसेस लगाया, और इसके अंदर हम अपनी कोडिंग लिख रहे हैं, तो ये एक फंक्शन बन गया। लेकिन जब फंक्शन को कॉल करना होगा तो कुछ नहीं करना होता है, बस नाम से बुला लो, बस नाम, जो नाम दिया है फंक्शन का ना, उससे बुला लो। तो ये नाम है इसका, कहीं पर भी ऐसे नाम लिख के पैरेंथेसिस लगा के और सेमी कॉलन लगा दोगे तो इस फंक्शन की कॉलिंग हो जाएगी, ठीक है, इस फंक्शन की कॉलिंग हो जाएगी। तो अब ये फंक्शन को अगर कॉल करना हो ना, दिस इज द कॉलिंग फंक्शन, दिस इज द कॉलिंग अ फंक्शन। अब मेरी एक बात समझना कि एक क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस बने हुए हैं, एक क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस बने हुए, जैसे टाइप ऑफ वेयर क्लास के अंदर कितने फंक्शन बने हैं? कहोगे तीन, मेन फंक्शन, माई फंक्शन, एड नम नाम का फंक्शन, तीन फंक्शन बनाए। तो एक
क्लास के अंदर जितने फंक्शंस बने हुए हैं, आप किसी भी एक फंक्शन को किसी भी दूसरे फंक्शन के अंदर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। किसी भी एक फंक्शन के अंदर किसी भी दूसरे फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। जैसे कि अगर माई फंक्शन के अंदर एड नम को कॉल करना हो तो क्या करना पड़ेगा बताओ? अगर माई फंक्शन के अंदर एड नम को कॉल करना हो तो कैसे लिखेंगे? माई फंक्शन के अंदर एड नम को कॉल करना हो तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? वेरी गुड, ऐसे लिखेंगे, एड नम पैरेंथेसिस सेमीकोलन, दिस इज द कॉलिंग ऑफ फंक्शन, दिस इज द कॉलिंग ऑफ फंक्शन। बट अभी इस प्रोग्राम को रन करा के देखो। हमने इसको रन कराया, रन कराते हैं फिर थोड़ा सा समझ आएगा। और इसका नाम अब देखो, स्टूडेंट्स पूछ रहे थे ना कि जब क्लास के नाम से सेव नहीं करते तब कैसे रन कराते हैं, तो ऐसे रन कराते हैं। अब जैसे लिखा जावा सी, बताओ फाइल का नाम, बताओ फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम क्या है? फाइल का नाम टाइप ऑफ वेल डॉट जावा है कि डेमो फाइव डॉट जावा है? तो फाइल का नाम है डेमो फाइव डॉट जावा। फाइल का नाम क्या है? डेमो फाइव डॉट जावा। तो लिखेंगे जावा सी डेमो फाइव डॉट जावा। रन कराया, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली कंपाइल, कोई इरर नहीं है। अब जब देखोगे ना कि ठीक है, तो अभी कोई इरर नहीं, अभी सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया डेमो फाइव डॉट जावा। लेकिन जब जाके इसमें देखोगे कि डेमो फाइव डॉट जावा ये कंपाइल हुआ कहाँ है, डेमो फाइव डॉट जावा, ओके डेमो फाइव डॉट जावा यहाँ है। देखो ये है हमारा डेमो फाइव डॉट जावा। मुझे एक बात बताओ, जब कोई भी जावा की फाइल कंपाइल होती है तो उसी नाम से एक क्लास फाइल बनती है ना, इसमें कहीं भी डेमो फाइव डॉट क्लास दिख रहा है? इस पूरी फाइल में कहीं भी डेमो फाइव डॉट क्लास दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, डेमो फाइव डॉट क्लास नहीं दिख रहा है। तो एक बार आप कंपाइल जब कराओगे तो किस नाम से कंपाइल कराओगे? फाइल के नाम से कंपाइल करो, जिस फाइल में आपने पूरा प्रोग्राम रखा है। मतलब डेमो फाइव डॉट जावा था, हमने डेमो फाइव डॉट जावा को कंपाइल करा दिया, लेकिन कंपाइल जब होगा तो जो क्लास फाइल बनेगी, जो फाइल आएगी, बाइट कोडेड फाइल आएगी, वो किस नाम से आएगी? क्लास के नाम से आएगी। मतलब क्लास का नाम क्या था? टाइप ऑफ वेर। तो इसमें टाइप ऑफ वेर डॉट क्लास दिख रहा है, टाइप ऑफ वेर डॉट क्लास दिख रहा है, तो कंपाइल का दिख रहा है। ये देखो यहां दिख रहा है ना, टाइप फाइव टाइप ऑफ वेर डॉट क्लास दिख रहा है। तो कंपाइल जब कराओगे तो फाइल नाम से कंपाइल कराओगे, रन जब कराओगे तो जो क्लास फाइल आई है उसको रन कराओगे। ठीक है, तो देखो अब रन कराते वक्त बताओ क्या लिखेंगे, तुम लोग बताओ खुद से सोच के, रन कराते वक्त क्या लिखेंगे? जावा डेमो फाइव की जावा टाइप ऑफ वेर, जावा टाइप ऑफ वेर लिखेंगे कि जावा डेमो फाइव लिखेंगे? तो जावा टाइप ऑफ वेर लिखेंगे, सबने बताया, वेरी गुड। तो लिखेंगे जावा टाइप ऑफ, ये देखो कितनी बार हेलो वर्ड आ रहा है, एक बार, तो कोई इरर नहीं आई ना, सक्सेसफुली रन हो गया। तो मुझे एक बात, इतना सबको समझ आया? किसी भी बच्चे को इतने में कंफ्यूजन समझ आ रही है कि ये यहां पे समझ नहीं आया किसी को भी? अच्छा, सबको समझ आया इस बात का रिप्लाई करना, क्योंकि कुछ नो मैम कुछ यस मैम लिखते तो समझ नहीं आता। क्यों, सबको समझ आया इतना? ओके वेरी गुड, अच्छा ठीक है। अब देखो, तो मैं कहती हूं कि अगर एड नंबर को मुझे यहां पे कॉल नहीं करना है, एड नंबर को मुझे यहां पे कॉल नहीं करना, हटा दिया हमने, यहां पे कॉल नहीं करना है, एड नंबर को हमें कॉल करना है मेन फंक्शन में, तो बताओ क्या मेन फंक्शन में हम ऐसे एड नंबर की कॉलिंग कर सकते? सही है ना, अब तो दोनों कोड रन होना चाहिए ना। बताओ अब तो दोनों कोड रन होना चाहिए ना, मतलब कि दो चीजें प्रिंट होनी चाहिए, एक हेलो वर्ड और दूसरा प्रिंट होना चाहिए ए प्लस बी। भाई प्रिंट तो वही होगा जो जिसको जिसको आपने प्रिंट के आगे लिखा है, तो दो चीजें प्रिंट होनी चाहिए, एक प्रिंट होना चाहिए हेलो वर्ड और दूसरा प्रिंट होना चाहिए 50। क्लियर है सबको? लेकिन ये रन नहीं होगा। अब देखो जब हम रन कराएंगे इसको,
और यहाँ फिर से कंपाइल कराना पड़ेगा, कंपाइल डेमो 5 को कराएंगे, टाइप ऑफ वेर डॉट जावा को नहीं, टाइप डेमो 5.java को रन कराते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। और ये देखो इधर आ गई, कह रहा है कि ईरर को ध्यान से पढ़ो, ईरर दे रहा है, ईरर क्या कह रहा है, कह रहा है नॉन स्टैटिक मेथड एड नम कैन नॉट बी रिफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेस्ट, नॉन स्टैटिक मेथड एड नम कैन नॉट बी रिफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेंट। मतलब ईरर कहाँ पे आ रही है, ये एड नम की कॉलिंग पे, मेरी बात ध्यान से समझना, इसी एड नम की कॉलिंग हमने यहाँ पे किया, कोई ईरर नहीं था, इसी एड नम की कॉलिंग हमने यहाँ पे किया, कोई एरर नहीं था, और इसी एड नम की कॉलिंग सेम तरीके से हमने यहाँ कर दिया, एरर आ गया। क्यों? क्योंकि आप एक स्टैटिक ब्लॉक में, विद इन अ स्टैटिक ब्लॉक, विद इन अ स्टैटिक ब्लॉक यू कैन नॉट एक्सेस अ नॉन स्टैटिक मेंबर। समझ आई? मेन फंक्शन किस टाइप का है? मेन फंक्शन किस टाइप का है? स्टैटिक टाइप का है। मेन फंक्शन किस टाइप का है? स्टैटिक टाइप का है। और एड नंबर किस टाइप का है? स्टैटिक टाइप का है क्या? नो। मेन फंक्शन किस टाइप का है? स्टैटिक टाइप का है। और एड नंबर फंक्शन किस टाइप का है? स्टैटिक टाइप का नहीं है, नॉर्मल फंक्शन है। तो आप डायरेक्टली एड नंबर को कॉल नहीं कर सकते। सो नोट डाउन अ पॉइंट, टू कॉल a non-static member within a static member we have to create object of the class। ओके तो ये जो है, ये एक पॉइंट है कि क्योंकि मेन फंक्शन स्टैटिक है और क्योंकि जिस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो नॉन स्टैटिक है, तो आप यहाँ पे इसकी कॉलिंग डायरेक्टली नहीं कर सकते। आपको एड नाम जिस क्लास के अंदर बनाया गया है, पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तब आप कॉल कर सकते हो। इसको मैं यहाँ से हटाती हूँ और इसका एक फॉर्मल डिफिनीशन मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ये नोट, जस्ट बिकॉज मेन फंक्शन ऑफ जावा इज ऑलवेज स्टैटिक, we have to create ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, to access any method or variable within main function। क्योंकि मेन फंक्शन स्टैटिक होता है, आपको अगर कोई भी वेरिएबल, कोई भी मेथड मेन फंक्शन के अंदर कॉल करना हो, तो आपको सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लेगा। तो हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, क्लास कैसे, सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या कहता है? सिंटैक्स कहता है सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास का नाम, फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट का नाम। और ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे वेरिएबल का नाम लिखते हो वैसे ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हो। इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड, और न्यू कीवर्ड के बाद फिर से हम लिखते हैं क्लास का नाम और यहां लगाते हैं पैरेंथेसिस और सेमी कॉलन। ठीक है, ठीक है। बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, By using dot with object of the class, you can access any member of the class। This is the most important point। That means
जब हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, सपोज करिए हमारे पास एक क्लास है, हमारे पास एक क्लास है, क्लास का नाम है डेमो फाइव। इस डेमो फाइव का ऑब्जेक्ट बनाना है, कैसे बनाएंगे रिप्लाई करिएगा, डेमो फाइव, डेमो फाइव और एक ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम डी रख लो, डी वन रख लो, डेमो रख लो, डेमो वन रख लो, डी वन रख लो, डी टू रख लो, एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू क्रिएट। हमने लिखा डी इक्वल्स टू न्यू डेमो फाइव पैरेंथेसिस, दिस इज द डी, हियर डी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ डेमो क्लास। ओके नो, मैंने गलत लिख दिया, ऑब्जेक्ट ऑफ डेमो फाइव क्लास। रिप्लाई करिएगा, हमारे पास एक क्लास है, हमारे पास एक क्लास है, हमने लिखा क्लास टाइप ऑफ वेर, इसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, रिप्लाई कैसे बनाएंगे, रिप्लाई करिएगा कैसे बनाएंगे, क्या सिंटैक्स होगा, टाइप ऑफ वेयर का ऑब्जेक्ट बनाना है, किसी भी नाम का ऑब्जेक्ट बना लो, टी वन नाम का बना लो, चलो बताओ सबको रिप्लाई करना है, सबको, एवरीवन, टाइप ऑफ वेयर टी मुस्कान, और ये जो न्यू टाइप ऑफ वेयर तुमने लिखा इसके बाद पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है, टाइप ऑफ वेयर डी इक्वल्स टू न्यू टाइप ऑफ वेयर, यस, टाइप ऑफ वायर टी वन इक्वल्स टू न्यू टाइप और श्वेता तिवारी, और टाइप ऑफ वायर के बाद पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है, वेरी गुड काजल, मैंने थोड़ा स्लो पढ़ाई है, अच्छा ठीक है, टाइप ऑफ वायर वेरी गुड गाइस। आप देखो ऑब्जेक्ट बनाना है, कैसे बनाएंगे, न्यू क्लास नेम, न्यू क्लास नेम नहीं, प्रतिमा, टाइप ऑफ वायर, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू, फिर टाइप ऑफ वायर, न्यू क्लास नेम नहीं, न्यू टाइप ऑफ वेयर, ओके, वेरी गुड, ओके, लुक कैसे बनाएंगे, टाइप ऑफ वेयर टी वन या किसी भी नाम का इक्वल्स टू न्यू, न्यू को चेंज नहीं कर सकते, टाइप ऑफ वेयर पैरेंथेसिस हियर टी वन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप ऑफ वेयर क्लास, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, इतना क्लियर है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, न्यू इज द कीवर्ड, न्यू क्या है, न्यू इज द कीवर्ड दैट इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, न्यू इज द कीवर्ड दैट इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, मनीषा, ओके, तो अब मैं आती हूं यहां, एड नम, एड नम को ऐसे कॉल नहीं कर सकते, स्टैटिक मेंबर के अंदर, नॉन स्टैटिक मेंबर डायरेक्टली कॉल नहीं होंगे, ठीक है, तो कैसे होंगे, ऑब्जेक्ट बना के, कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लिखिए किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, किस क्लास, किस मेथड को कॉल करना है, यहां पे किस मेथड को कॉल करना है, एड नम को, किस मेथड को कॉल करना है, एड नम को, किस मेथड को कॉल करना है, एड नम को, एड नम को, एड नम किस क्लास के अंदर बनाया गया है, एड नम किस क्लास के अंदर बनाया गया है, एड नम किस क्लास के अंदर बनाया गया, एवरीवन रिप्लाई सबको करना है, सबको, एड नम किस क्लास के अंदर बनाया गया, टाइप ऑफ वेयर के अंदर, एड नम किस क्लास के अंदर बनाया गया, टाइप ऑफ वेयर के अंदर, टाइप ऑफ वेयर कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो, टाइप ऑफ वेयर ऑब्जेक्ट का नाम टी वन इक्वल्स टू न्यू टाइप ऑफ वेयर पैरेंथेसिस सेमी कॉलन हियर हियर टी वन Here T1 is the object of class. ठीक है, object of class. अब जब आपको अभी आपने बस object बनाया T1 मिल गया आपको, तो अब जितने भी functions को call करना है किस class के, type of where class के, तो आप call कर सकते हो, कैसे, T1 के साथ dot लगा के, T1 के साथ डॉट लगा के, तो अब बताओ कि एड नम की कॉलिंग कैसे की जाएगी, क्या डायरेक्टली ऐसे लिख दें एड नम, सही है, क्या डायरेक्टली लिख दें एड नम, सही है, कहोगे नो इट्स नॉट राइट, कैसे कैसे सही होगा, तो लिखना पड़ेगा T1 डॉट, लिखना पड़ेगा T1 डॉट,
here is the calling of add num function. ठीक है, अब मुझे कौन कौन बताएगा क्या आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का? सिर्फ हेलो वर्ड आएगा कि हेलो वर्ड और 50 दोनों आएगा? हेलो वर्ड और 50 दोनों आएगा. ठीक है. अब सबने रिप्लाई किया, ठीक है, दोनों सबने बताया दोनों. तो पहले हेलो वर्ड आएगा कि पहले 50 आएगा? पहले हेलो वर्ड आएगा कि पहले 50 आएगा? वेरी गुड, पहले हेलो वर्ड आएगा. वेरी गुड, अच्छा फिर 50 आएगा. वेरी गुड, पहले हेलो वर्ड आएगा, सबने सही बताया. हेलो वर्ड और 50 दोनों एक ही लाइन में आएगा कि अलग अलग लाइन में आएगा? हेलो वर्ड और 50 दोनों एक ही लाइन में आएगा कि अलग अलग लाइन में आएगा? वेरी गुड गाइस, एक ही लाइन में आएगा, सबने बिल्कुल सही बताया, एक ही लाइन में आएगा, क्योंकि आपने हेलो वर्ड प्रिंट कराया, उसके बाद आपने प्रिंट एलन नहीं लिखा है, सिर्फ प्रिंट लिखा है, तो हेलो वर्ड प्रिंट हो गया. एंड इसके नेक्स्ट जो प्रिंट होगा वो भी उसी लाइन में प्रिंट होगा, तो उसके बाद प्रिंट हुआ 50, वो भी हेलो वर्ड के जस्ट बाद प्रिंट होगा. मैं फिर से एक बार राइट क्लिक करती हूँ, ओपन फोल्डर इन CMD, यहाँ पे हमने लिखा जावा सी, और हमारे फाइल का नाम क्या है? तो फाइल का नाम है demo5.java. हमने लिखा demo5.java, कंपाइल कर लिया, रन कराने के लिए लिखेंगे जावा, नॉट हवा, इट्स जावा डेमो, नो नॉट डेमो फाइव, डेमो फाइव अ टाइप ऑफ वेर. क्यों जावा डेमो फाइव की जावा टाइप ऑफ वेर? जावा टाइप ऑफ वेर, यस. ठीक है, अब क्लिक किया, यहाँ पे हमने इसको रन कराया और दोनों लिख के आ रहे हैं, ये देखो हेलो वर्ड और हेलो वर्ड के बाद लिख के आ रहे हैं 50. क्या इतना सबको क्लियर है? एवरीवन रिप्लाई प्लीज. नो मैम, संध्या भारती, ओके, ये एक लड़की है, क्लियर नहीं है. संध्या पूछो कहाँ पे क्लियर नहीं है, कहाँ पे तुम्हें नहीं समझ आया? संध्या भारती, अच्छा ठीक है, वेरी गुड, सबने बोला यस मैम, वेरी गुड, यस मैम, बट व्हाट इज ऑब्जेक्ट? वेरी गुड क्वेश्चन, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज अ वेरिएबल ऑफ क्लास, क्लास टाइप. जैसे हम इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, जैसे हम स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, जैसे हम फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, वैसे हम क्लास टाइप का भी वेरिएबल बना सकते हैं. और वो जो क्लास टाइप का वेरिएबल है उसे हम एक और नाम से जानते हैं, रेफरेंस वेरिएबल, दैट इज ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट इज अ वेरिएबल ऑफ क्लास टाइप. इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना है, इंटीजर ए कैसे लिखेंगे? इंट ए. तो वैसे ही जब क्लास टाइप का वेरिएबल बनाना होगा तो लिखेंगे क्लास का नाम और वेरिएबल का नाम, तो ये क्लास टाइप का वेरिएबल बन जाएगा. और उसको वेरिएबल के तौर पे, रेफरेंस के तौर पे लाने के लिए लिखते हैं इक्वल्स टू न्यू और फिर से क्लास का नाम. तो ये आप धीरे धीरे समझ जाएंगे बिल्कुल. आप बस एक बात याद रखिए कि जहां भी क्लास के मेंबर्स को, क्लास के मेंबर्स का मतलब होता है क्लास के अंदर बनाया गया मेथड, क्लास के अंदर बनाया गया वेरिएबल. तो जब भी आपको इन क्लास के अंदर बनाए गए मेंबर्स को कहीं दूसरी जगह कॉल करना होता है, हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं. और वो क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हमने आपको बताया. तो ये अब मुझे एक चीज बस, और ये मैंने आपको पूरा टॉपिक क्यों बताया कि मैम इंटीजर में, इंट में इंटीजर, तो फिर ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं? तो ऑब्जेक्ट का यूज हम करते हैं क्लास के मेंबर्स को कॉल करने के लिए. जैसे इंटीजर टाइप के वेरिएबल ए का यूज करते हैं हम किसी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए, वैसे ही हम क्लास टाइप का वेरिएबल, मतलब टाइप ऑफ वेर ए, इस वेरिएबल का हम यूज करेंगे टाइप ऑफ वेर के मेंबर्स को कॉल करने के लिए किसी दूसरे जगह पे. मुस्कान पांडे, जैसे क्लास का वेरिएबल t1 का यूज किया है हमने एड नम को कॉल करने के लिए, ऐसे ही इसी t1 का हम यूज कर सकते हैं माई फंक्शन को कॉल करने के लिए. जैसे लिख दिया t1 dot my function, क्या आएगा?
क्या आएगा? t1.myfunction, क्या आएगा? t1.myfunction करोगे तो आएगा, अब कितनी चीजें प्रिंट होंगी? तीन लाइन प्रिंट होगा, एक प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड, फिर प्रिंट होगा एड नम के अंदर प्रिंट कराया गया है माई फंक्शन वो, और फिर प्रिंट होगा आपका हेलो वर्ल्ड। तो मतलब पहले आएगा, जैसे अभी रन करा के दिखा देती हूँ, फिर से हमने इसको सीएमडी में लिखा, हमने लिखा जावा सी, और यहाँ लिखा हमने डेमो 5.java, रन कराया, फिर हमने लिखा जावा, और यहाँ पे हमने लिख दिया क्लास का नाम टाइप ऑफ वैट, और रन कराया, देखो हेलो वर्ड पहले आया, फिर 50 आया, फिर हेलो वर्ड आया, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक मैं टास्क देती हूँ एवरीवन। अब मैंने ये आपको, ये पूरा प्रोग्राम मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया ताकि कल मैं आपको इन वेरिएबल्स के बारे में बता सकूँ, जो ये तीन वेरिएबल हमने लिखा था, इंस्टेंस, स्टैटिक और लोकल, ये तीनों समझ नहीं आते अगर आपको ऑब्जेक्ट वगैरह का कॉन्सेप्ट पता नहीं होता तो ये तीनों टाइप्स मैं कल आपको पढ़ाऊंगी, और प्लस कल मैं आपको ऑपरेटर्स भी थोड़ा बताऊंगी और थोड़े बेसिक से प्रोग्राम्स भी बताऊंगी। लेकिन उसके पहले ये जो मैंने नोट्स यहाँ पे लिखा है, सारे लोगों को ये नोट्स कंप्लीट करना है कल। इतना नोट्स अगर जो स्टूडेंट नहीं दिखाएगा उसको मैं इस क्लास से रिमूव करूंगी। तो ये जितना मैंने यहाँ पे लिखा है, टाइप ऑफ वेरिएबल और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और ये सभी लोग वीडियो देखेंगे और वीडियो देख के इतना कंप्लीट करेंगे। अब वीडियो अपलोड हो जाएगी अभी कुछ देर में, और कल वाली वीडियो जो थी थर्ड लेक्चर वो सही हो गई है। और अब सबका एक टास्क है, क्या टास्क है? टास्क वन है क्रिएट अ ऑब्जेक्ट विथ नेम, क्रिएट अ क्लास विथ नेम कैलकुलेटर एंड क्रिएट अ फंक्शन सेम क्लास के अंदर विथ नेम एड नंबर, ठीक है। और इसमें आपको दो नंबर को ऐड करना है, टू ऐड टू इंटीजर नंबर्स, और ये नंबर जैसे मैंने अभी डायरेक्ट वैल्यू दिया था वैसे आप कर लोगे। एंड टेस्ट द फंक्शन का मतलब होता है कि मेन फंक्शन में कॉल करके चेक करो कि सही काम कर रहा है कि नहीं। दूसरा आपका टास्क है क्रिएट अ क्लास विथ नेम calculator2 एंड क्रिएट अ फंक्शन विथ नेम सब्ट्रैक्ट नंबर टू माइनस टू नंबर्स, दो नंबर लेना है, दो फ्लोट टाइप का नंबर लेना है और एक नंबर में से दूसरे को माइनस करना है और रिजल्ट को प्रिंट कराना है एंड टेस्ट द फंक्शन। तो ये दो अलग अलग आपको क्लासेस बनानी है, और इन क्लास को नहीं, यूजर से वैल्यू नहीं लेना है, डायरेक्ट वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दे दिया था 20 और 30, वैसे आपको डायरेक्ट वैल्यू देना है और फिर करना है। तीसरा आपका टास्क रहेगा क्रिएट अ क्लास विथ नेम calculator3 एंड create two functions. First function is create two function. Add three number to add three integer numbers. ठीक है। और दूसरा function रहेगा subtract three number, और इसमें रहेगा, इस function का काम रहेगा two minus three integer numbers, या इंटीजर नंबर नहीं, यहाँ आप माइनस करिएगा तीन फ्लोट नंबर्स को, टू माइनस थ्री फ्लोट नंबर्स एंड टेस्ट द फंक्शन बाय कॉलिंग इन मेन फंक्शन। ये आपके कल का टास्क है, सबको समझ आया? और ये तीनों टास्क आपको
करके लाना है कल। ओके सबको क्लियर है? कर लोगे क्या सभी लोग? ऑब्जेक्ट, इससे आपको पता चलेगा कैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं, कैसे हम बाकी चीजें करते हैं, तो ये आपको पता चलेगा। आज के डॉक का एसेस लेना है। ओके हो जाएगा, हो जाएगा। ओके टास्क कहाँ सबमिट करना है? तो टास्क कहाँ सबमिट करना है ये मैं आपको बताती हूँ। टास्क कहाँ सबमिट करना है, देखो कल जब आप देखोगे ना, तो ये जो अभी आप कुछ देर बाद देखना, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जब आप लॉग इन करोगे, सबके पास यूजर आईडी पासवर्ड होगा। टू डेज टास्क के अंदर यहाँ एक और टास्क मिलेगा, कंप्लीट योर जावा टास्क करके, ठीक है यहाँ पे। और आपको क्या करना है कि एक फाइल बनानी है। जैसे मान लो आपने एक प्रोग्राम बनाया, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक वर्ड फाइल या एक पीडीएफ या एक कुछ भी बना लो, और उसमें तीनों टास्क को पेस्ट कर देना। जैसे लिख देना क्वेश्चन 1, और इसके अंदर नीचे आप पहला वाला टास्क पूरा पेस्ट कर दो, फिर लिख दो क्वेश्चन 2, फिर इसके नीचे दूसरा वाला टास्क, सिर्फ टास्क पेस्ट करो, जो रिजल्ट है वो प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। फिर लिख दो क्वेश्चन 3, और इसके नीचे आप तीसरा वाला टास्क पेस्ट करो, फिर इसको एक फाइल में सेव करके और उसी फाइल को यहाँ पे अपलोड कर दो, तो ये आपको जो है हमारे पास ये टास्क आ जाएगा। अब अगर जो कर पाएगा ठीक है, जो नहीं कर पाएगा तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं कर पाएगा उसको मैं कल समझा दूंगी कैसे करना है। अभी के लिए जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट लेगा इसका, यहां से स्क्रीनशॉट लो। रुको रुक जाना 1 मिनट। हाँ ले लो स्क्रीनशॉट, लो फर्स्ट स्क्रीनशॉट। सेकेंड स्क्रीनशॉट, सेकेंड स्क्रीनशॉट, थर्ड स्क्रीनशॉट, थर्ड स्क्रीनशॉट और फोर्थ स्क्रीनशॉट। ओके आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर द क्लास। कल फिर से आप सभी लोग दोबारा उसी लिंक से ज्वाइन कर लिया करो। और टास्क, 1 सेकेंड, ये टास्क का स्क्रीनशॉट भी सभी लोग ले लो, जो टास्क हमने दिया हुआ है तीनों, इसका टास्क, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। हाँ कल संडे है पर क्लास चलेगी, अभी अभी बीच में 2 दिन की छुट्टी किया हुआ था ना मैंने, तो कल कल चलेगा, क्लास चलेगा कल, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द क्लास, कल भी सभी लोग ज्वाइन करिएगा। जिसने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हो पहले प्रीवियस वीडियोस देख के उसे कंप्लीट करेगा, तब नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करेगा। ओके थैंक यू गाइज, बाय बाय। टाइम क्या है? टाइम है 6 PM। प्रीवियस वाला भी दिखा दीजिए। नितिन विश्वकर्मा क्या पूछ रहे हो? अच्छा मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी आज की वीडियो के साथ, तुम्हें नोट्स मिल जाएगा ये। ओके चलो थैंक यू फॉर द क्लास, बाय बाय।